और आज है सैटरडे मॉर्निंग और सुबह सुबह मैं ना यहाँ पे पानी का जग फिल कर रही हूँ। कल रात को ना डिश वॉशर में धोई थी और बस आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। मैं का स्कूल खुलने के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं और कल बहुत देर रात तक हम लोगों ने बैठ के कॉपीज़ वगैरह सब मतलब कवर अप कर रहे थे। स्कूल से स्टेशनरीज आ चुके हैं उसका, तो चलो फिलहाल ना मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा चाय पीती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू पौर्वा कुर्मी ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक है। और अभी अभी जस्ट उठे हैं, आज छुट्टी, अभी कुछ दिन महीने का छुट्टी चल रहा है ना स्कूल का। उसका स्कूल रीओपन होने में नेक्स्ट वीक लास्ट तक उसका रीओपन हो जाएगा, तो तब तक थोड़ी सी लेट उठ रही हूँ। लेट उठने से तो होगा नहीं क्योंकि ट्रैवल करके जो आई हूँ उसका इतना सारा कपड़े, कल का व्लॉग में अगर आप लोग देखे होंगे, कल कुछ कपड़ा धोई थी, आज भी, मतलब ये सारे सब चीज़ समेटते समेटते ना बहुत टाइम लग रहा है। मतलब 1 वीक हो रहा है आज, लेकिन एक पिछले वीक हम लोग आए थे लेकिन अभी तक पूरा काम संभाले नहीं गया हमसे। एनीवेज चलो पहले चाय वाय बनाती हूँ, मिलते हैं। आज बहुत अच्छा कुछ बनाऊंगी, प्लान है दिमाग में, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि आप लोग इतना दिन जो हम लोग ट्रैवल किए ना, आप लोगों के पास, मतलब आप लोगों के पास से बहुत सारा कमेंट आए थे कि दी आपका किचन बहुत मिस कर रहे, खाना बहुत मिस कर रहे, तो रेसिपी तो जा रही है, आज भी बहुत अच्छा कुछ जाएगा। चलो पहले फिलहाल मैं चाय बनाऊंगी, मिलती हूँ आप लोगों से। बातों ही बातों में चाय तो बन चुकी है, हस्बैंड का चाय बना चुकी हूँ मैं। ये हस्बैंड का ही चाय निकाल रही हूँ मैं क्योंकि हस्बैंड तो मेरे मतलब ब्लैक टी पीते हैं, वो दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, तो बस उनके लिए बना रही हूँ सबसे पहले। उसके बाद हम सबके लिए चाय रखेंगे, मतलब ऑलरेडी रख चुकी हूँ चाय और दूध वगैरह डालूंगी तो बस चाय रेडी हो जाएगा। और एक्चुअली क्या है ना कि हस्बैंड नहीं पीते, बहुत दिन से वो नहीं पीते, वो ब्लैक टी ज़्यादा पसंद करते हैं। और जी मेरे घर के सामने से नज़ारा देखिए, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, अभी कोलकाता में 42 जा रहा है, आज दोपहर को 42 था, तो यहाँ पे ना सुबह में रोड धोया गया है, वो पानी से धोया गया है रोड, तो ताकि थोड़ी सी ठंडा रहे। और बस यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, वॉशिंग मशीन लोड करनी थी मुझे, तो मैं वही कर रही थी वॉशिंग मशीन लोड, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं ना अभी भी, मतलब बैग, एक बैग खाली हुआ, कल तो आप लोग देखे ही होंगे मेरा व्लॉग में अगर देखे होंगे तो एक बैग खाली हुआ, एक बैग अभी भी भरा हुआ है कपड़ों से, तो बस मशीन लगाई और फटाफट से मैं ऊपर आ गई। आज ना मैं ब्रेकफास्ट लंच सब एक साथ तैयारी कर लूंगी क्योंकि इतनी गर्मी में ना किचन में 10 बजे के बाद खड़ा होना मतलब बहुत ही बेहद मुश्किल काम हो रही है, तो बस मैं यहाँ पे फटाफट वाली जो ब्रेकफास्ट होती है वही बनाऊंगी और उसके साथ साथ ही मैं मतलब लंच का भी तैयारी कर लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब इतनी ज़्यादा, आज दोपहर को मैं बता रही हूँ, न्यूज़ में ऐसे दिखा रहा था, मम्मी देख रही थी, आज दोपहर को टेम्परेचर गया यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्मी से ना आपको टीका नहीं जाएगा। और मैं इनको थोड़ा सा पैम्पर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो एक काम कर रहा है और वो चार, एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों को थोड़ा सा हगी पगी करने से ना उसको थोड़ा सा ना मतलब केयरिंग फीलिंग आता है बच्चों को, तो बस इसीलिए उसको थोड़ा सा ना मैं पैम्पर करती हूँ, कर लेती हूँ, थोड़ा सा हगी पगी दे देती हूँ कि बेटा मैं हूँ, एक छोटी सी प्यार कि बेटा मैं हूँ आपके साथ, तो बस इससे ना बच्चा बहुत सिक्योर्ड फील करता है। तो ये मैं कहीं पढ़ा था, तो पढ़ी थी मैं कहीं, तो इसीलिए मैंने वो चीज़ अप्लाई करती हूँ कि बेटा मैं हूँ साथ में। तो फिलहाल यहाँ पे मटर और आलू मैं बॉईल करने के लिए चढ़ाई हूँ नमक डाल के, और फिलहाल यहाँ पे ना दोपहर का खाना का तैयारी करूँगी, मूंग का दाल बनाऊँगी, तो बस दाल को धो के वॉश करके अच्छे से मैं दाल चढ़ा दूँगी। अच्छा, किसी ने ना मुझे सवाल किया था कि दी आप दाल हमेशा मतलब भून के क्यों रखती है, क्योंकि गाइस अगर मूंग का दाल ऐसे ही आप छोड़ दो ना किसी भी डिब्बे में तो 1 वीक के बाद से ना उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, आपको फ्रिज में स्टोर करना ही पड़ता है। अगर आपका घर में छोटा फ्रिज हो तो हर चीज़ फ्रिज में स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है, मेरा फ्रिज थोड़ा छोटा है इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो दाल वैसे भून के रख देने से ना आप साल भर भी रख दो तो आपका दाल में कीड़े नहीं पड़ेंगे, ये मेन ट्रिक्स है।
तो हल्दी नमक देखिए डाल चढ़ा दी मैं, और उसके बाद ये सारे सब्जी फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो आज सैटरडे है, फ्रिज खाली भी करना है मुझे, तो बस ये सारे सब्जी मिला के एक मिक्स वेज टाइप का बना दूंगी। उसके साथ थोड़ी सी कद्दू भी रखी हुई थी तो उसको ही मैं कट करने लगी हूँ, तो एक मिक्स वेज टाइप का बना दूंगी जो बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनती है, और घर में ज़्यादातर लोगों को वो पसंद है। और देखिए काम करते करते मेरा हालत ऐसा हो गया है कि मैं मतलब हेयर ऊपर चोटी वोटी बांध के और पूरा पसीना में लथपथ हूँ, मतलब यहाँ पे ना काम किया नहीं जा सकता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट का तैयारी कर रही हूँ, साइड में ना ये दाल चढ़ाया हुआ है, तो बहुत ही गर्मी के साथ मतलब मैं बना रही हूँ खाना। और जी फिलहाल ब्रेकफास्ट हम लोगों का रेडी है, दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट। रोटी तो मैं बनाई थी, हस्बैंड और मैं को मैंने खिला दिया है, ऑलरेडी ब्रेकफास्ट वो लोग कर चुके हैं, सभी कोई कर चुका है, तो दिस इज़ द रोटी बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन मुझे रोटी नहीं खानी है, मुझे ये घुगनी मटर के साथ ना ये वाली ब्रेड ना बहुत पसंद है, तो बस ये मेरी ब्रेकफास्ट है, घुगनी ब्रेड। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना बिहार मतलब यूपी में घुगनी पावरोटी, तो वो बहुत मज़ा आता है, तो बचपन से ना हम लोग गांव में मतलब मैं तो यहीं पे पली बड़ी हूँ, लेकिन ये खाने का शौक मेरा बचपन से बहुत है, मतलब घर में जब भी बनती थी तो मम्मी बनाती थी तो ऐसे ही हम लोग खाते थे, तो बस ये मेरा ब्रेकफास्ट है आज। चलो गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करके। कैसा था ब्रेकफास्ट? ऐसे गर्मी लगा है ना तुमको, है तुम्हारा कपड़ा देख के पता चल रहा है गर्मी लगा है। चलो देखे हेयर, देखे हेयर में इसका पूरा पसीना पसीना हो चुका है, एकदम पसीना हो मेरे को गया सबसे अच्छा है। लगा, और टीका विका भी लगाया, नहा के दिखाओ ना, दिखा दो नहा के, इधर आओ इधर आओ, ये देखिए ये नहा के टीका विका लगा लिया है। हाँ पुजारी, हमारे को अभी कंप्लीट हो गया है, अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद यही काम था, इतना सारा कॉपी सारे कंप्लीट हुआ हुआ। मैं बैठी थी, मैं उतना कुछ नहीं कर रही थी, हस्बैंड ही कर रहे थे, ये बहुत अच्छा है, इसको कवर करते हैं। तो जी हस्बैंड तो कवर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, सुबह का बर्तन लगा रही हूँ, डिश वॉशर लगा रही हूँ। एक्चुअली जितना सारा बर्तन निकला था किचन में, और कल रात का भी थोड़ा बहुत बर्तन था, तो मैंने सारे इकट्ठे ही डिश वॉशर में लगा दिया, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि इतना सारा बर्तन, एक्चुअली दोनों टाइम का बर्तन थोड़ी सी निकल ही जाती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अभी 12 बज रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ गुड आफ्टरनून। सुबह का सारा काम कंप्लीट किया, फिर नहा के पूजा उजा कर ली मैंने, और लंच बनाने से पहले ना मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगी, क्योंकि कपड़े सारे ऊपर ऐसे ही छोड़ के चले आई थी, तो ये सारे कपड़े डाल दूंगी और उसके साथ प्लांट्स को भी थोड़ा सा केयर कर लूंगी। सारे कपड़े फैला दिए कपड़ों का बीच से, मैं जा रही हूँ। एक्चुअली ऊपर आई थी थोड़ा प्लांट्स को केयर करने, मेरा प्लांट्स में ना थोड़ा थोड़ा फ्लावर आ रहा है, मैं दिखाऊँ कपड़े सुखा लिए हैं, प्लांट्स में पानी दे चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे ये सारे काम भी करने होते हैं, थोड़ी सी बिजी रहती हूँ। और दूसरी बात क्या है ना कि घर में जब आप काम में इतना बिजी रहते हो, तब कोई मेहमान आ जाए तो आपका हर काम में लेट होगा। एक्चुअली मेरा सुबह का 9:30 बजे तक एवरीथिंग इज डन, तो हमें अगर मेहमान आ जाना आपके घर में तो बहुत ज़्यादा ना टेंशन हो जाती है। सुबह 9:30 बजे तक सब चीज़ हो गया था मेरा, तो हस्बैंड बैठ के मैं का जो स्कूल का कॉपी किताब होते हैं ना उसको सारे शॉर्ट आउट कर रहे थे, मैं और हस्बैंड बैठ के कर रहे थे, तो अचानक से कोई आ गया, रिलेटिव्स नहीं कोई फ्रेंड्स आ गया, तो उनसे बातें करते करते 1-1.5 घंटा वहीं निकल गया। मैं ना अंदर जाती हूँ क्योंकि मुझे खाना भी बनानी है, तो बस वहीं निकल गया 1-1.5 घंटा। और उसके बाद मैं फटाफट फटाफट से सारे काम जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो निपटाई, और उसके बाद गई फ्रेश शावर ले ली और पूजा पाठ करके, अभी 12:10 हो रहा है, मुझे खाना बनानी है। चलो पहले लंच बना लेती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से।
और जी मैं यहाँ पे दाल मेरी रेडी हो चुकी है। दाल तो बहुत पहले ही चढ़ा चुकी थी, तो दाल को मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। सिंपल सा जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी रेड चिली पाउडर से दाल को तड़का लगा दिया, तो दाल तड़का मेरी रेडी हो चुकी है। मीनवाइल यहाँ पे मैं कढ़ाई ले चुकी हूँ। कढ़ाई में मास्टर ऑयल गर्म होती डाल रही हूँ, सूखी हुई लाल मिर्च, उसके साथ पंचफोरन, जो पंचफोरन होते हैं ना वो डाले, और जितना सारा सब्जी था ना सारे, तो मैंने सारे के सारे कट करके रखे थे, तो सारे सब्जियाँ मैं यहाँ पे मतलब स्टर दूंगी। कढ़ाई में ऐड कर दिया है, बहुत ही सिंपल सा सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी नमक ऐड कर दिया है, और नमक ऐड करने के साथ साथ ही थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तो ये सारे चीज़ें ना मैं डाल रही हूँ। और साथ में मैगी मसाला है मैजिक मैं डाल रही हूँ, इससे ना सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आ जाती है। तो बस थोड़ी सी स्टर देना है आपको, और जिंजर गार्लिक पेस्ट कैसे भूल सकते हैं आप। आप चाहे तो नॉर्मली जो घर में कुटी हुई होती है वो बना उसमें डाल सकती हो, उसमें स्वाद दूसरा आता है, लेकिन मेरे पास स्टोर बॉट थी, मैं वही डाल दी हूँ। और मतलब थोड़ी सी होता है ना आलस आ जाता है, तो बस फिर कूटेंगे तो चलो यही डाल देते हैं। थोड़ी सी पानी ऐड किया, और दो टमाटर को ना ऐसे स्लाइसेस में कट करके आप ऐड कर दीजिए इसमें, और बस थोड़ी सी स्टर दे दीजिए, थोड़ी सी मिला लीजिए इसको, और उसके बाद भी इसको लीड लगा के पकने के लिए छोड़ दीजिए जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो इसमें बॉयल आ चुके हैं, तो मैं डाल रही हूँ मटर। ये ना फ्रोजन मटर है, मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, और ये वाली ना थोड़ी सी टाइम लगती है होने में, मतलब बॉयल होने में। जब तक मेरी सब्जी बन रही है मैं यहाँ पे एक मसाला बना रही हूँ। मसाले में मैं डाल रही हूँ प्याज, खूब सारा, मैं चार प्याज डाली हूँ मीडियम साइज़ के। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, एक्चुअली उसके साथ थोड़ी सी किशमिश ऐड किया, और थोड़ी सी पानी। बस इसका एक ना पेस्ट बना लेंगे, फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे। तो उसके पहले एक अदरक का टुकड़ा जो मैं भूल गई थी वो डाली, और उसके साथ गार्लिक की कुछ कलियाँ, और बस इसको चलिए मिक्सी में पेस्ट बना लेते हैं। लुक एट दिस, इसको पेस्ट मेरा बन चुका है, तो बस इसको साइड करेंगे। और यहाँ पे मैं एक और मसाला बना रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ दही। मेरे पास दही रखा हुआ था, तो बस स्टोर बॉट है, और घर में अभी मैं जमा नहीं रही हूँ कुछ दिन से, तो बस यहाँ पे दही ऐड की मैंने। उसके साथ ढेर सारे कैश्यू नट्स, मतलब काजू, वो ऐड कर दीजिए, और करने के बाद थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कीजिए इसमें, और पानी का इस्तेमाल ना के बराबर होगा, ना के बराबर पानी डालिए इसको, और बस इसको अच्छे से मिक्सी कर लीजिए। लुक एट दिस, ये भी हो गया है रेडी, मतलब ये मसाले मुझे चाहिए, तो ये रेडी हो चुका है। फिलहाल मैंने ले लिया है रूहू फिश, इसी का ही कड़ी का तैयारी कर ली थी इतना देरी। इसमें थोड़ी सी नमक डाली हूँ, यूजुअली तो हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और उसके साथ थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल भी डाला जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी ना डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। आज इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूँगी, रेगुलर वाली ऑयल मैंने ऐड किया है, और उसके साथ ही मैं जितना सारा फिश नमक के साथ मैरिनेट करके रखी थी वो सारे फिशेस इसमें ऐड कर देना है, और बस इसको अलट पलट के थोड़ी थोड़ी सौते हो जाए उस हिसाब से इसको भूनना है। तो जी अलट पलट के दोनों साइड से इसको मैं फ्राई कर लिया है, तो ये देखिए थोड़ी सी रेडिश हो जा रहा है, नहीं तो ये पलट नहीं रहा है ठीक से। तो बस सारे फिशेस को भून लिया मैंने, अलग जगह में हटा लिए, तो सेम कढ़ाई में ऑयल थोड़ा लेके उसमें डाली हूँ जीरा, और जो मसालों का पेस्ट बना के रखी थी वो मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स देना है, बहुत अच्छे से मिक्स देना है इसको, और बस ये उबाल आ जाए, इसमें साइड से ऑयल रिलीज होने लग जाए, तो ये रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज में जब आ जाए ना प्याज भूनते भूनते ब्राउन ब्राउन हो जाए देखने में, तो थोड़ी सी लम्सी बन जाए, तो बस इसी में ऐड करूंगी अब मसाले। मसाले में जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी मिर्ची पाउडर नहीं जाएगा इसमें, और इसमें ना मैं थोड़ा सा मसाला बना के रखी थी, तंदूरी मसाला, रेसिपी मेरा चैनल में दिया हुआ है, और थोड़ी सी यहाँ पे आटा डाल रही हूँ, गेहूँ का आटा, और चलिए इसको अच्छे से मिक्स देते हैं बहुत अच्छे से।
तो बस ये मिक्स हो गया, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं डालूंगी ये वाली पेस्ट जो दही वाली बना के रखी थी मैं, वो पेस्ट ऐड ऑन किया, पानी ऐड किया अच्छे से और इसको फुल फ्लेम में आपको पकाना है। तो बस मैं वही कर रही हूँ, फुल फ्लेम में इसको पका रही हूँ बहुत अच्छे से। तो चलिए ये तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसमें थोड़ी सी पानी और मैंने ऐड कर दिया तो क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा थिक रहेगा तो मेरा घर में कोई इतना पसंद नहीं करता है इसीलिए। तो बस इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ दही का खट्टापन को बैलेंस करने के लिए, ज़्यादा चीनी नहीं थोड़ी सी, और बस यहाँ पे थोड़ी सी स्टर देना है, बहुत अच्छे से मिक्स एंड मैच कर देना है। और ये देखिए, लुक एट दिस, ओ इसमें उबाल तो आ ही चुका है। तो मैं डाल रही हूँ साथ में हरी मिर्च, और वो खूब सारी हरी मिर्च डालिए, आप चाहो तो स्प्लिटन करके डाल सकते हो, मैं ऐसे नॉर्मली यूजुअली डाल दी हूँ। और इसके साथ थोड़ी सी नमक कम लग रही थी मुझे तो नमक ऐड कर दिया। तो चलिए ये उबाल आ गया है अच्छा खासा इसमें, तो बस इसको स्टर देते हुए इसको इसमें हम ऐड करेंगे फिश। जितना सारा फिश मैं फ्राई करके रखी थी वो सारे फिश इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और बाय द वे याद रखिएगा कि ये रूहू फिश है, बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो फिश टूटने का चांसेस रहती है। तो बस अगर फिश ना टूटे उस हिसाब से इसको रेडी कर लीजिए, और मतलब बहुत ही हल्के हाथों से ग्रेवी में मिलाने के बाद इसको बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ से वहाँ करना चाहिए। तो चलिए ये तो उबाल आ गया अच्छी खास, और बस फिश रेडी हो चुका है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बस इसमें ऐड कर रही हूँ एक बटर का टुकड़ा, मक्खन के टुकड़े से ना बहुत अच्छा स्मेल आ जाती है, सच बता रही हूँ, आप कभी इस्तेमाल करके देखिए बटर तो अच्छा लगेगा। तो चलिए मेरा तो लंच बन गया, एंड दिस इज आवर लंच थाली, दाल है, सब्जी है, उसके साथ फिश करी है और चावल है, थोड़ी सी हरी मिर्च है। तो लुक एट दिस थाली, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। और ये थाली का टेस्ट तो गजब टेस्ट था जी, बहुत अच्छा टेस्टी था। कैसी लगी ये लंच थाली मुझे कमेंट सेक्शन में बताने, बिल्कुल मधुर। तो जी हम लोगों की लंच थाली रेडी है और ये रही हम लोगों की आज की लंच। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी और थाली रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग। चलो लंच तो बन गया और ये डिजास्टर है, ये सारे क्लीन करूंगी, पहले मैं भी लंच करूंगी हस्बैंड के साथ और मैं खुद ही लंच कराऊंगी। तो फिलहाल आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे पसंद आए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज फॉर माय होमी व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।